हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लैक फंगस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि कोरोना वायरस का काफी ज्यादा कहर फैला हुआ है और साथ ही साथ ये ब्लैक फंगस भी सुनने में आ रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये क्या है, कैसे होता है और ये किन लोगों को इस चीज का खतरा बहुत ज्यादा है? तो जैसे कि ये एक फंगल डिसीज है और ये म्यूक्रोमाइकोसिस नाम के एक फंगाइल होता है, जिससे कि जो पहले से लोग बीमार चले आ रहे हैं और जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनका धीरे धीरे करके क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो ये उनको बहुत जल्दी इफेक्ट कर रहा है, उनकी जो बैक्टीरिया और फंगस से जो बॉडी में लड़ने की क्षमता होती है वो मतलब कम हो जाती है। तो वो बीमारियां भी उनको जल्दी इफेक्ट करती हैं। तो ये है इसमें, और साथ में मैं आपको एक जानकारी बहुत अच्छी इसमें शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि हमारे पूरे शरीर में करोड़ों संख्या में फंगल बैक्टीरिया होते हैं, तो इम्यूनिटी सिस्टम उन्हें मारता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो वो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। तो अब फंगस कई तरीके के होते हैं, जैसे कि त्वचा से संबंधी फंगल इन्फेक्शन होता है, वो तो जैसे आपको पहले से पता ही होगा, और जैसे कि नाखूनों को इफेक्ट करता है वो होता है। लेकिन ये जो म्यूक्रोमाइकोसिस नाम का है, ये फंगल है, वो रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि ये उस पार्ट को, इस बॉडी पार्ट को पर्टिकुलर सड़ा देता है, ख़त्म कर देता है बिल्कुल ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक है, तो इसके लिए आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखना चाहिए, जिससे कि ये आपको इफेक्ट ना करे। मैं बात करूंगी कि ये कैसे होता है। तो ये ब्लैक फंगस जो मैंने बताया, म्यूक्रोमाइकोसिस है, ये नाक से फैलता है। ये नाक से जो हम एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो हवा है उसके थ्रू अंदर इनटेक हो जाता है नाक के थ्रू, और सांस के जरिए ये हमारे शरीर में अंदर पहुंच जाता है, ये फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर शरीर में किसी भी तरीके का, मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, इस बात को ध्यान से आप सुनिएगा, कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का घाव है या शरीर कहीं से जल गया है या फिर किसी भी तरीके का पहले से कोई इन्फेक्शन मतलब है, तो उस पार्ट का खास आप ध्यान रखिए, क्योंकि उस जगह पर वो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस घाव को आपको बहुत उसकी केयर करनी है, उसको जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ कीजिए कि उसको सुखा दीजिए, जिससे कि मतलब वहां पे फंगस ना बने। जितना उसमें गीला चिपचिपा पदार्थ रहेगा तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जहां जल गया है वहां का भी आप अच्छे से केयर कीजिए। अगर आप जल्दी स्टार्टिंग में ही इस बात का ध्यान रखते हैं तो, और डॉक्टर को ठीक टाइम पर दिखा देते हैं तो उसकी केयर कर लेते हैं, तो ये ब्लैक फंगस को रोका जा सकता है। नहीं तो अगर इसकी स्टेज बढ़ जाती है तो आप उसको बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं। और अगर ये ब्लैक फंगस का ध्यान टाइम से नहीं रखा जाए तो वो जो पर्टिकुलर जो बॉडी का पार्ट होता है वो अगर आपका इफेक्ट हो गया है और वो बढ़ गया है, तो यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि वो सड़ जाता है और उसको पार्ट को काटना पड़ता है, जिससे कि वो और ज़्यादा ना बॉडी में फैले। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिससे कि ये बिल्कुल भी आपको, आप इससे इफेक्ट ना हो। अब मैं बात करूंगी कि किसको या किस तरह के लोगों में ज्यादा फैल रहा है या किन को ज्यादा खतरा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि किन किन लोगों को ये इसका खतरा ज्यादा है, तो ये कोरोना के जो मरीज हैं, जो इस टाइम कोरोना से इफेक्टेड हैं, तो उनको ये बहुत ज्यादा इससे खतरा है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही कमजोर था, इसलिए उनको कोरोना हुआ और अभी कोरोना चल रहा है उनको। तो वो मेडिसिन जो ले रहे हैं वो भी इस तरह की होती हैं कि जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, वैसे भी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती है, तो उन्हें इससे काफी खतरा है। और जैसे कि डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनको इससे बहुत ज्यादा खतरा है, तो वो अपने शुगर लेवल का ध्यान रख सकते हैं कि उनका जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज्यादा हाई ना हो, वो नॉर्मल रहे, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको जैसे जो कैंसर से पीड़ित हैं, तो उनका भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो वो रिकवर करने में उनको बड़ी परेशानी होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम है। और जैसे कि जो लोग दवाइयों पे हैं, मेडिसिन में हैं, काफी टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप ये चेक करा सकते हैं अपने डॉक्टर के थ्रू कि उसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं मिले हुए हैं।
अगर स्टेरॉइड्स मिले हुए होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर होने लगता है, और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा तो कोई भी वायरस है, कोई भी इन्फेक्शन है, फंगस है, वो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट करेगी, बहुत जल्दी आपकी बॉडी को पकड़ लेगी। और जैसे जो लोग बहुत टाइम से आईसीयू में रह रहे हैं तो उनको भी इस बात का खतरा है। और जैसे कि नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो किडनी या लीवर जिन्होंने ट्रांसप्लांट अपना कराया हुआ है तो उनको भी इस चीज से काफी ज्यादा खतरा है इन्फेक्शन होने से। तो इन सब चीजों को आप एक बार ध्यान रखें, जो मैंने आज आपको बताई है, इस जानकारी को आप आगे भी स्प्रेड करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि वो लोग इस बात को समझ पाए कि ये क्या होता है, किन लोगों को इससे ज्यादा खतरा है और कैसे होता है, क्या है। और जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और किस तरह की आपको प्रिवेंशन, आपको इसका क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए और आपके किस बॉडी पार्ट को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो इस आप जानकारी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, लोगों को अवेयर कराइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।